किसी को आमंत्रण करके निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता। सबको इनकम टैक्स का डर दिखता है, सीबीआई का डर दिखता है, सुबह से रात तक यही एजेंसी को देखे करता है। ये क्या कोई गवर्नमेंट चल रहा है? दीदी, ओ दीदी। पश्चिम बंगाल से यास तूफान तो गुजर गया, लेकिन एक नए सियासी तूफान ने मोदी बना ममता वाली सियासत को फिर से केंद्र में ला खड़ा किया है। एक तरफ केंद्र सरकार है, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की ममता सरकार, तो बीच में मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय। 31 मई 2021 सुबह 10 बजे पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय के लिए यही डेडलाइन रखी थी केंद्र सरकार ने। अलापन को आज सुबह दिल्ली आकर नॉर्थ ब्लॉक में पर्सनल डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करना था, लेकिन दिल्ली में इंतजार होता रहा, अलापन आए नहीं। दिल्ली आने की जगह अलापन नवन्ना में यास चक्रवाती तूफान को लेकर एक अहम बैठक में शामिल हुए। अलापन बंदोपाध्याय आपदा प्रबंधन के टास्क फोर्स के प्रमुख भी हैं। जो कुछ भी वहाँ की मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने किया है, वो जानबूझकर किया गया संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ, एक बहुत बड़ा अपराध है। और मुझे लगता है कि इस आपराधिक, जो जानबूझकर किए गए इस आपराधिक गुनाह को लोकतंत्र और देश कभी नहीं माफ करेगा। हम लोग एक होकर काम करना चाहते हैं, लेकिन बंगाल की भारतीय जनता पार्टी हमेशा कोविड में भी राजनीति करते हैं, यश दुर्योग में भी राजनीति करते हैं। ये जनता के हित में नहीं है और ये देश पूरा देख रहा है। 2021 में इसका जवाब बंगाल की जनता ने दे चुका है। दरअसल पिछले सप्ताह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवाती तूफान यास पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठक की थी, तो आधे घंटे तक इन खाली कुर्सियों ने बवंडर खड़ा कर दिया था। प्रधानमंत्री इंतजार करते रहे, ममता और उनके मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय आधे घंटे की देरी से पहुंचे। केंद्र सरकार से आदेश गया सोमवार को दिल्ली में रिपोर्ट करें मुख्य सचिव। मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय को दिल्ली भेजने के मूड में फिलहाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं दिख रही। ममता का दो टूक कहना है कि जब राज्य कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, तो वो अपने अहम अफसर को इस नाजुक वक्त में कैसे जाने दे सकती है। चुनाव के पहले ममता मोदी जंग के अनेकों रूप दिखे, अब एक अधिकारी पर दोनों खेमे फिर एक दूसरे पर तलवारें भांज रहे। सिर्फ राजनीति बिना ना वेस्ट बंगाल का विकास होगा आने वाले दिन में, राजनीति के बिना वेस्ट बंगाल के जनता का कोई सुधार होगा, वेस्ट बंगाल में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, वेस्ट बंगाल में रहने वालों को कोई सुखी होगा, कोई भला होगा, ऐसा करने का कोई ममता बनर्जी का इच्छा नहीं है। सिर्फ राजनीति करने का उनका तन मन मना लिया है। अलापन बनर्जी वो रिटायर करने वाला है, उनका एक्सटेंशन का एप्लीकेशन और रिकमेंडेशन स्टेट से दिल्ली में गया और दिल्ली सैंक्शन किया, तो उसके बाद जब अचानक उसको ट्रांसफर का खत इशू हो रहा है, तो उसके पीछे पॉलिटिकली विंडिक्टिव जो मेंटालिटी है वही काम कर रहा है। एक अवसर पर इस विवाद की शुरुआत 10 मई को हुई, जब ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भेजकर मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय के कार्यकाल को 3 महीने का एक्सटेंशन देने की मांग की थी। 31 मई यानी आज अलापन बंदोपाध्याय का कार्यकाल खत्म हो रहा था। ममता की मांग के मुताबिक 24 मई को अलापन की सेवा के विस्तार को मंजूरी दे दी गई। अलापन को 31 अगस्त तक एक्सटेंशन मिल गया, लेकिन इसके 4 दिन बाद ही यानी 28 मई को मामले में नया ट्विस्ट आया। अलापन बंदोपाध्याय को केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग से अटैच करने का आदेश जारी हो गया और उनकी ज्वाइनिंग का वक्त था आज यानी 31 मई सुबह 10 बजे। तो सुबह 10 बजे मुख्य सचिव को रिपोर्ट करने का वक्त दिया गया। सुबह 10 बजे के ही करीब पीएम को ममता बनर्जी ने आज इस पर चिट्ठी लिख डाली। सुबह 11 बजे मुख्य सचिव की ममता के साथ अहम बैठक हुई। शाम 5 बजे 30 मई को दरअसल दिल्ली नहीं आने का फैसला बीते दिन ही मुख्य सचिव की तरफ से बताया जा रहा है ले लिया गया था। रात 10 बजे 28 मई को दिल्ली से ये तबादले की चिट्ठी उन तक पहुंची थी। अलापन बंदोपाध्याय ममता बनर्जी के बेहद करीबी नौकरशाह माने जाते हैं। उन्हें टेक्स्ट बुक मैन कहा जाता है, यानी वो नियमों के पाबंद नौकरशाह माने जाते हैं। दो सरकारों के टकराव में अब उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की तलवार लटक गई है।
अगर उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई हुई तो करियर के आखिरी मोड़ पर बड़ा धब्बा लगेगा। एक्शन होने पर ना पेंशन के हकदार होंगे ना ही रिटायरमेंट बाद मिलने वाली सुविधा के। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।